नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। रोग जांच एवं निदान शिविर में 174 रोगियों को शिविर का मिला लाभ। अनूपगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में संचालित राजकीय आयुर्वेदी औषधालय में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए आज रोग जांच एवं निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 174 रोगियों की जांच कर उन्हें आयुर्वेदिक औषधियों का निःशुल्क वितरण किया गया। इस शिविर में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीमा चौहान में अंजू बिश्नोई ने अपनी सेवाएं दी। आयुर्वेदिक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर हरिंदर दावड़ा, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीमा चौहान, अंजू बिश्नोई सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर रोग जांच एवं निदान शिविर का शुभारंभ किया गया। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर हरिंदर दावड़ा ने बताया कि आयुर्वेदिक विभाग के निर्देशानुसार श्री गंगानगर जिले में यह पहला शिविर आयोजित किया गया है। अनूपगढ़ के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में आयोजित शिविर में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए रोगियों की जांच की गई और रोगियों को आयुर्वेदिक औषधियां निःशुल्क वितरण की गई। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीमा चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि रोग जाँच निदान शिविर में रक्तचाप, मधुमेह, खांसी, जुकाम, त्वचा रोग, पाचन से संबंधित बीमारियाँ, बुखार, पेट से संबंधित बीमारियां, नेत्र से संबंधित बीमारियां सहित अन्य बीमारियों की जांच की गई। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में आयोजित शिविर में रोगियों को परामर्श देते हुए औषधियां वितरित की गई। रोग जांच एवं निदान शिविर में कुल 174 रोगियों को परामर्श देते हुए औषधियां वितरित की गई है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि यह शिविर अनूपगढ़ के राजकीय औषधालय में प्रत्येक महीने आयोजित किया जाएगा ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। रोग जांच एवं निदान शिविर के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीमा चौहान, अंजू बिश्नोई ने आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाव के भी उपाय बताए तथा शिविर के दौरान आयुर्वेदिक काढ़े का निःशुल्क वितरण किया गया। डॉक्टर सीमा चौहान ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अपने आसपास सफाई रखना अत्यंत आवश्यक है तथा किसी भी बीमारी के लक्षण आने पर चिकित्सक की सलाह पर आवश्यकता अनुसार औषधि लेनी चाहिए।